छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर में तकरीबन 3 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है। इस गिरोह का एक सदस्य अभी भी फरार है। मास्टरमाइंड दिलीप जायसवाल, उनका भाई प्रदीप जायसवाल और दोनों के गुरु 74 वर्षीय उनके पिता कुंबे प्रसाद जायसवाल के साथ उन्हीं के गाँव के रामकिशन यादव, सुरेश यादव, किशन यादव, ये सभी आरोपियों को पकड़ने में बलराम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ये आरोपी पीतल से बने बिस्किट को सोना बताकर बेचा करते थे, जो उन्हीं के घरेलू फैक्ट्रियों में तैयार होता था। अब पुलिस ने सोना बताकर पीतल बेचने वाले आरोपियों की धरपकड़ कर ली है और इन्हें जेल का रास्ता दिखा दिया है। वैसे आपको एक बात बता दें कि इनके जेल जाने से काफी लोगों को इनकी ठगी से मुक्ति मिलेगी, जिनको ये अपना अगला निशाना बनाने वाले थे। मगर अभी भी एक आरोपी फरार है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जो लोगों को अभी भी फंसा कर, अपनी जाल में फंसा कर ठगी को अंजाम दे सकता है। इसलिए सभी को इस आरोपी से बचने के लिए पुलिस को मदद करना जरूरी है, पुलिस को जानकारी देना जरूरी है। साथ ही पुलिस हर चुनौती को देखते हुए अब उसे पकड़ने के लिए तत्पर है, पर देखना यह होगा कि एक फरार आरोपी को पुलिस कितने दिन में हिरासत में ले पाती है। तब तक यहाँ की आम जनता को सतर्क रहना होगा, किसी भी इस तरह के नकली सोने बेचने वाले से सावधान रहना होगा। अब क्या है सर, देखिए अब वो छोटा सा रहेगा, ठीक ना, सोना का ओरिजिनल रहेगा, सही बात है। इसमें रख लीजिए, इसमें किसी में मतलब ऐसे रहेगा तो मतलब थोड़ा सा ऐसे करके दे देते। टांगी में टांगी होंगी जैसे कुछ रहता है इधर उधर, तो अच्छा हल्का जो छूते थे उसके बाद गिरा देते थे उसको। हाँ गिराते थे जी, ये है इसका टुकड़ा। पूरा मामला रघुनाथ नगर थाना अंतर्गत का है। प्रार्थी रविंद्र यादव जो है पौड़ी खुर्दे का है, उसको आरोपी सुनील यादव, कृष्ण यादव, ये लोग नकली जो सोना था पीतल सा बना हुआ उसको असली सोना बताकर ठगी किए थे और उसे 3 लाख रुपये ठगी किए। इसी सूचना पुलिस को मिली थी, पुलिस ने इसमें अपराध पंजीबद्ध किया और इसमें गिरफ्तारी की गई है। एक आरोपी फरार है। उसी प्रकार एक दूसरी घटना जानकारी मिली थी जिसमें प्रार्थी राजेश जायसवाल था, निवासी झारा सिंगरौली का था, उसके साथ लगभग 1,30,000 की ये नकली सोना की ठगी की गई। उसमें लगभग 4 आरोपी गिरफ्तारी की गई है और उसमें 2 आरोपी फरार है। अभी हमको ये जानकारी नहीं है कि वो सब इंस्पेक्टर क्या है, लेकिन एक प्रार्थी राजेश जायसवाल निवासी झारा का है, उसको बताया जा रहा है कि वो सब इंस्पेक्टर है, वो भी ठगी का शिकार हुआ है। ये रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुगवार गांव के निवासी वाले हैं और सारे तो ये। बलरामपुर से राकेश चैटअप की रिपोर्ट।